मेट्रो स्टेशन बत्ती चौक के करीब चिंची रिक्शा सवार की दिन दहाड़े राहगीरों पर अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से एक राहगीर जान बहक, दो जख्मी हो गए। मुलजिम गोलियां चलाता और रिक्शा भगाता फरार हो गया। जख्मी अकबर, ताज मोहम्मद और अख्तर को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 26 साल अख्तर म्यू अस्पताल में दम तोड़ गया। थाना रावी टाउन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कोट लखपत में पसंद की शादी करने वाली खातून भाइयों के हाथों कत्ल। 30 साल उज्मा को भाइयों ने कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूला को बचाते हुए इसकी 34 साल सोतन नौरीन जख्मी हो गई। जनरल अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम भाइयों अजहर और कासिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला उस्मा ने चंद रोज कबल साजिद से पसंद की शादी की थी। वालिदैन की गफलत, दो बच्चे जान से गए। चूंग में घर वाले मच्छर से बचाव की टिक्की लगाकर खुद हमसायों के घर महफिल में चले गए। पहले आग कालीन को लगी, फिर कमरे को लपेट में ले लिया। सोए हुए बच्चे सोए ही रह गए। 7 साल सुफियान, 9 साल अरसलान झुलस कर जान बहक। मामूली झगड़े पर 25 साल नौजवान को जिंदा जला दिया। रोही नाले के करीब चार मुलजिमों ने दुकान में अशफाक पर तेल छिड़क कर आग लगाई। अशफाक झुलस कर जान बहक। अशफाक का चांदरोज कबल पतंगबाजी से रोकने पर मुलजिमों से झगड़ा हुआ था। जज्बाती मतवालों को ट्रेन रोकना महंगा पड़ गया। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल आमद पर ट्रेन का पहिया जैम करने की कोशिश करने वाले यूसी चेयरमैन राय लियाकत, लीग रहनुमा शफकत पांडा और मोहम्मद नदीम गिरफ्तार। पुलिस को मजीद दो दर्जन कारकुनों की तलाश। पुलिस सीसीटीवी और टीवी फुटेज से मदद ले रही है। खूनी खेल के शौकीन बाज ना आए, शहर में फिर पतंगबाजी। नश्तर कॉलोनी में पुलिस का खुफिया इत्तला पर घर पर छापा। 160 से जायद पतंगे और 90 बोतलें शराब की बरामद। दो मुलजिमान बासित और गौहर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम मनशियात फरोशी भी करते थे। पुलिस इंसानी सेहत के दुश्मन मुसाफिरों के जिंदगियों से भी खेलने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की मोटरवे पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। फ्राई चेक्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कीड़े मकोड़े, नाकिस गोश्त पर सील। चिकन ब्रोस्ट रेस्टोरेंट को जायदुल मयाद कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर ताले लग गए। मिजाब होटल भी बंद। शिकायत मिलने पर मोटरवे सर्विस एरिया की चेकिंग में इजाफा कर दिया डीजी फूड अथॉरिटी। दफ्तरी अमूर में मसाइल, काम का बोझ। 7 साल बाद लाहौर की एक और तहसील बनाने का फैसला। नई तहसील का नाम न्याज बेग होगा। दरियाई एरिया, रायविंड और इकबाल टाउन के इलाके शामिल किए जाएंगे। न्याज बेग तहसील बनने के बाद तहसीलों की तादाद 6 हो जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को समरी इरसाल, नई तहसील बनाने की हतमी मंजूरी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के बाद वजीर आला पंजाब से मशरूत होगी। सब्जी मंडियां हो या आम बाजार, रेट नहीं रहते बरकरार। टमाटर की कीमत कम होते होते 74 रुपए पर आई है, लेकिन कहीं भी 80 से 85 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। सब्ज मिर्च तो डबल सेंचुरी से ट्रिपल सेंचुरी की जानिब गामसन है। 285 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। आलू के सरकारी निर्ख 11, प्याज 28, बैंगन 42, गोभी 20, मटर 42 रुपए मुकर्रर है, लेकिन दुकानदार हर सब्जी 2 से 5 रुपए जायद वसूल कर रहे हैं। अवाम महंगाई के घेरे में मुर्गी के गोश्त को फिर पर लग गए। कीमत मजीद 3 रुपए बढ़ गई। रेट 228 रुपए से बढ़कर 231 रुपए तक जा पहुंचा। मटन और बीफ तो पहले ही महंगा, चिकन भी पहुंच से दूर। शहरी परेशान होकर रह गए। एक तो छुट्टी, ऊपर से मौसम खुशगवार। लाहौरियों की रवायती नाश्तों की दुकानों पर यलकार। किसी ने खाए नाच चने तो किसी ने सिरे पाए। कई एक ने किया हलवा पूरी पर हाथ साफ। लस्सी का दौर भी चला। क्रिकेट दीवानों ने स्ट्रीट क्रिकेट के मजे भी लिए, खूब चौके छक्के लगाए। बाहर के रंग और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम साथ साथ, शहर के दरो दीवार को खूबसूरत रंगों से सजाने का अमल जारी। कहीं कौमी हीरोज की तस्वीर तो कहीं मुल्की सकाफत के रंग। रंगों से अमन और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का पैगाम फैलाया जा रहा है। डीसी लाहौर सालिया सईद।
और कभी बादलों के डेरे तो कभी चमकती धूप, शहर का पल पल बदलता मौसम, रिमझिम भी हो सकती है। मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया।